अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों की समर वेकेशन ख़त्म होने वाली है, तो बच्चों ने फरमाइश की थी मुझसे स्पैगेटी की, नूडल्स की। तो जो सिंपल नूडल्स बनाते हैं झटपट, मैं वो बनाना स्टार्ट करती हूँ। साथ साथ आपको बताऊँगी क्या इसके इंग्रेडिएंट हैं। काली मिर्च है, पेपरिका है, लहसुन है, लहसुन पेस्ट, चिकन पाउडर, सॉल्ट और कैरेट, कैप्सिकम, अनियंस, चिकन बोनलेस और स्पैगेटी। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैं इसके अंदर पानी बॉईल होने रख देती हूँ स्पैगेटी के लिए। इसमें मैं ऐड कर दूँगी सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल। सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया, मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी और साथ ही इसमें स्पैगेटी डाल दूँगी, ये बॉईल होते रहेंगे। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी स्पैगेटी, क्योंकि बच्चों से पूरा पूरा वो खाया नहीं जाता नूडल, तो मैंने इसको जो है वो ब्रेक कर लिया है दो तीन पीसेस में। अब मैं शुरू करती हूँ चिकन की मैरिनेशन। अब इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल। ऑयल गरम हो गया, अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ सारा चिकन। साथ ही इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, ताकि ये इसके अंदर से जो रॉ स्मेल होती है चिकन की और लहसुन की दोनों अच्छी तरह पक जाए। चिकन ने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया है और लहसुन की जो रॉ स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो गई है। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट। बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ, जिसमें सोया सॉस, सिरका, काली मिर्च, नमक डलता है। बच्चे इसके अलावा खाते ही नहीं हैं, कोई और इसके अंदर कोटिंग हो या कोई और फ्लेवर हो तो उनको पसंद नहीं आता। अब ऐड कर रही हूँ भर के चिकन पाउडर 1 टीस्पून। अब ऐड कर रही हूँ साथ भर के 1 टीस्पून काली मिर्च। साथ साथ नूडल्स भी जो हैं वो पक रहे हैं। अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं सोया सॉस 2 टेबलस्पून, सिरका भी 2 टेबलस्पून। थोड़ा सा इसको ड्राई कर लेंगे, फिर इसके अंदर अपनी वेजिटेबल ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ वेजिटेबल्स। ये अनियंस डाल दिए हैं, साथ में डालूंगी कैप्सिकम और कैरेट। थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारबेक्यू सॉस। ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, मेरे बच्चों को पसंद है। अब जैसे ही नूडल जो हैं वो बॉईल होते हैं, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और बच्चों को सर्व कर देंगे, और दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। नूडल्स हो गए हैं बॉईल, अब इसको हम इस पे से उतार लेते हैं और अपने चिकन में ऐड करते हैं। नूडल्स को मैंने निकाल दिया है, ऐसा गर्म पानी निकाल दिया है। अब ये थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो जाए, फिर हम इसको चिकन में ऐड कर देंगे। नूडल्स हो गए हैं ड्राई, अब इसको ऐड करें चिकन में। अब अच्छी तरह इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि इसके अंदर मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन इस्तेमाल किया है और पेपरिका मैंने इसके अंदर नहीं ऐड की है, वो ज़रा और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, चाइनीज़ ही रहता, तो मैंने वो इसमें ऐड नहीं की है। अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।